हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जनरल वार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्लास आपकी लाइव होनी थी, लेकिन मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, फिर भी हिम्मत करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी बनाऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी दे सको। पहला क्वेश्चन के हिंदी वर्णमाला में अंतइस व्यंजन कौन से हैं? तो आपको कई बार बता चुका हूँ अंतइस व्यंजन कौन से होते हैं। या, रा, ला, वा, ये सारे जो है ये हिंदी वर्णमाला में अंतइस व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होता है? जल्दी बताओ, यानी कि पहले और तीसरे चरण में आपकी हो जाएंगी कितनी, 14 14, दूसरे चौथे में 12 12, तो टोटल दो लोगों तो 26 हो जाएंगी दो चरणों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गीतिका छंद, तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित तो में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। घात का प्रतिघात बिल्कुल ठीक है, प्रसारण का संकोचन बिल्कुल ठीक है, खग का मृग बिल्कुल ठीक है, शाश्वत का सदैव ये गलत दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शाश्वत का सदैव नहीं होता, ठीक है ना। शाश्वत और सदैव विलोम शब्द युग्म जो है वो गलत है। शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नश्वर, ठीक है। 43 और 42 में आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं क्या, अच्युत। तो पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? जीने की इच्छा रखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा जिजीविषा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सखी प्लस आगमन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संख्या गमन का संधि विच्छेद हो जाएगा सखी प्लस आगमन, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जब किसी समान बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अर्थांतरांश अलंकार होता है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि अशुद्ध वाक का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है कि अशुद्ध वाक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माता पिता पूजनीय है, ये एक अशुद्ध वाक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, माता पिता पूजनीय है, वाक की जो वर्तनी की दृष्टि जो पूजनीय लिखा है वो गलत लिखा हो, इसलिए आपका ये वाक जो है वो अशुद्ध है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार शब्द जो है ये किसका उदाहरण है? ये संकर का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं वो हमको बताना है, कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के दिए हुए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। आगे नाथ ना पीछे पगवा, इसको बोलेंगे हम बंधनहीन, ठीक है। 3 13 होना यानी कि संगठित होना, मेरे ख्याल से ये सही नहीं लग रही, चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। एक टकसाल के ढले हैं यानी कि सब एक जैसे, बिल्कुल ठीक है ये तो। आँख के अंधे गांठ के पूरे यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी बिल्कुल ठीक है। 49 में 3 13 होना, बी ऑप्शन जो दिया है संगठित होना, ये आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 13 होने का जो अर्थ होता है वो होता है आपका क्या, अस्त व्यस्त होना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। गूगर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताओ, के लिए कौन से कारक में आता, कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो संप्रदान कारक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिरंगा में कौन सा समास है? जल्दी बताओ,
तिरंगा में कौन सा समास है? तो जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां द्विगु ही समास होता है, तो दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अव्यंतर का सही अर्थ बताइए, अव्यंतर का सही अर्थ बताइए 54 का। तो आपका सही अर्थ क्या होगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया, तो किस क्षेत्र की बोली को कहा गया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, कौन सा शब्द समूहार्थक शब्द है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इस्तबक, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस्तबक शब्द जो है इसको फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता को कहते हैं, इस्तबक, तो इसलिए यह समूहार्थक शब्द है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि कौन है, निराला, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 58 में बताना है कौन सा वाक्य मिश्र है 58 में, तो सही आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शब्द युग्म में के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अंबुज और अम्बुद का आपको अर्थ बताना है। तो देखो अंबुज माने तो कमल होता और अम्बुद माने बादल होता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं धन दौलत, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, माता पिता, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन, पाहन तो पत्थर का होता है, उपल पाषाण ये भी होता है, उरग, उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है ना। उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची होता है। अब आप लोगों के सामने एक सेंटेंस दिया है, यार अलावा करके आपको जोड़ना है और पूरा सेंटेंस आपको बतलाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर देखो कहाँ से दिए गए हैं, संख्या दी गई है, ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों भागों को विकल्पों में उचित क्रम में लगाए ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके, ठीक है। पहला तो आपको ये दिया, देखो पहले स्थान पर आपको ये रखना ही है, आप सबको धोखा, ठीक है, ये पहले स्थान पर रखना है। अब इसके बाद आप कौन कौन से उसको रखेंगे, वाक्यों को रखेंगे, तो ये हमको बताना है, आप सबको धोखा, उसके बाद रा वाला लग रहा है, दे सकते हैं, क्योंकि यही मुझे सही लग रहा है, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, यानी कि दूसरे, फिर वा वाला आ जाएगा, उसके बाद दे सकते हैं, दे सकते आप खुद को, फिर ला वाला, दे सकते हैं आप खुद को, फिर या वाला, धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते, समझ में आया, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर, उसके बाद वा वाला आएगा, खुद को नहीं दे सकते, ठीक है, दे खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को नहीं, तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ये जल्दी से बताइए। तो अंत्यत जो है, अत्यंत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन को आप चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला, और चौथा ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं, तो बताओ कहाँ पर किस भाग में गलती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनेक अध्यापकों, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका इसी भाग में गलती है, पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनेक अध्यापकों लिखा, अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक आएंगे, तो अध्यापकों लिखा तो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, जल्दी बताओ, कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ध्रुव स्वामिनी, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, इनकी नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, जल्दी बताओ, तो सही आंसर हो जाएगा सूरदास, सूरदास जो है ये अष्टछाप के कवि है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। अष्टज आपके कवि मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो कौन कौन से हैं। एक तो कुंभन दास हो गए, सूरदास हो गए, कृष्णदास हो गए, परमानंद दास हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, नंददास हो गए, ठीक है। ये सभी जो हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत मधुर गाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत। बहुत जो है ये प्रविशेषण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसको मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, के जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह छंद कौन सा छंद कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि उस छंद को क्या कहते हैं जिसका जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और 4 चरणों वाला छंद होता है। तो दोस्तों ये था हिंदी का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस टेस्ट को दे रहे होंगे, और आप लोग सभी लोग बताएंगे कमेंट में कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।